तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। जैसे फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप ओवर एक्स एक्सिस। तो मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर है, मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर इसका कॉम्पोनेंट निकालना है। तो ये ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, तो मान लो ये थीटा, तो ए का कॉम्पोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो कॉम्पोनेंट क्या बना, ए कॉस थीटा। मुझे क्या निकालना है, ए कॉस थीटा। कहाँ निकालना है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या लिखेंगे आंसर, ए कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। अब अलोंग एक्स एक्सिस को क्या लिखा जाता है, आई कैप। अगर मैं ए कॉस थीटा की वैल्यू बता दूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। और ए कॉस थीटा निकालने के लिए काम करते हैं, ये आपका ए वेक्टर है जिसका कॉम्पोनेंट निकालना है, किस पे निकालना है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस को किस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप। तो बी वेक्टर की जगह आई कैप, एक हो गया ए वेक्टर, एक हो गया बी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए कॉस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई पी। क्या स्टेप क्लियर है। तो आपको इस क्वेश्चन में ए वेक्टर पता है, आपको इस क्वेश्चन में बी वेक्टर पता है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, वन। तो ये वन हो गया, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई डॉट आई जो कि वन होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर वन आ गया। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, वन। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, और पीछे क्या आएगा, आई कैप। ये एक टाइप की प्रॉब्लम है। मैं इसकी एक और प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर है, किसके ऊपर निकालना है इसका कॉम्पोनेंट, बी वेक्टर के ऊपर, ये बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट किस पे निकालना है, बी वेक्टर पे निकालना है। तो इस बार ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो मुझे कॉम्पोनेंट निकालना है ए का बी पे, तो क्या होगा, ए कॉस थीटा। मान लो ये थीटा है, तो कॉम्पोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा। लेकिन ए कॉस थीटा जो वैल्यू है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग बी वेक्टर। इस बार अलोंग एक्स एक्सिस नहीं, इस बार ये ए कॉस थीटा की डायरेक्शन कहाँ आएगी, अलोंग बी वेक्टर। क्योंकि कॉम्पोनेंट ए वेक्टर का किसके ऊपर गिरा, बी के ऊपर, तो डायरेक्शन भी कहाँ आएगी, बी के। तो क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो क्लियर है यहाँ तक। और जैसे अलोंग डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को लिखते हैं आई कैप, अलोंग डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को लिखते हैं जे कैप, जेड एक्सिस को लिखते हैं के कैप, तो अलोंग बी वेक्टर को क्या लिखते हैं, बी कैप। राइट, तो बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। एक काम करते हैं, बी कैप की वैल्यू साइड पे निकाल लेते हैं, कैसे, क्योंकि बी वेक्टर मुझे गिवन है। तो बी कैप कैसे निकलता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो मुझे पता ही है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, क्या आएगा, बी कैप। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो बी कैप निकाल लिया साइड पे, अब मुझे क्या निकालना है, ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा के लिए डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। आपको ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो ये टर्म आएगी, सॉल्व करके ए कॉस थीटा आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, एक ए कॉस थीटा आ गया, एक बी कैप आ गया। ए कॉस थीटा की जगह एट बाई रूट इलेवन, और बी कैप की जगह वो पूरे का पूरा बी कैप है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट इलेवन मिल गया 11 आंसर। तो पॉइंट समझ में आया कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो फिर से देखो एक बार, आपको ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट बी वेक्टर पे निकालना है, कॉम्पोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा, डायरेक्शन कहाँ आएगी, अलॉन्ग बी वेक्टर। अलॉन्ग बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी कैप। बी कैप कैसे निकलेगा, अ वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर को बी के साथ डिवाइड करके। और ए कॉस थीटा के लिए ये फॉर्मूला, ए को ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, और बी का मैग्नीट्यूड पता है, सॉल्व करके वैल्यू आ गई। तो ए कॉस थीटा की जगह ए कॉस थीटा, बी कैप की जगह बी कैप आंसर। राइट, एक क्वेश्चन करो इसके बेस पे, ये लो। सपोज क्वेश्चन इज फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप ऑन i कैप प्लस j कैप। तो आपको कंपोनेंट निकालना है एक वेक्टर का, i कैप प्लस j कैप है, तो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के बने, तो निकालो कंपोनेंट, ट्राई करो।
तो इसमें फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ, तो ये रहा मेरे पास ए वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो मुझे ये कॉम्पोनेंट किस पे निकालना है, बी वेक्टर पे। बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो ऑब्वियसली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो कॉम्पोनेंट आएगा, ये कॉम्पोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो मेरा आंसर आएगा कि ए कॉस थीटा अलॉन्ग बी वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, बी कैप। अब हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लें, तो बी कैप तो मैं निकाल ही लूंगा, क्योंकि बी कैप क्या है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि आई के कोफिशियंट का स्क्वायर और जे के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो आंसर आएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट टू। तो बी कैप क्लियर है सबको, तो मैंने आधा आंसर तो निकाल ही दिया, आधा मुझे निकालना है। तो आधा आंसर निकालने के लिए काम करते हैं, इसके अंदर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू इज ए बी कॉस थीटा, मुझे निकालना है ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। तो यानी कि ए इंटू कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, किसके इक्वल गिवन है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई तो 3, जे वाली टर्म जे से तो 1 बाय रूट टू, तो आंसर क्या आएगा, 4 बाय रूट 2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा की। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो आंसर है, मेरा आंसर है ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। अब ए कॉस थीटा मैं निकाल चुका हूँ कितना, 4 बाय रूट 2, और बी कैप भी मैं निकाल चुका हूँ आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट टू इज द आंसर। रूट टू रूट टू टू कर लेना, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना। बट यहाँ तक आंसर जो आएगा आई कैप जे कैप की फॉर्म में आएगा।